मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। ये नहीं कि जितना भी बुरा हो बस घर जोड़ना है, असल में तो घर मोहब्बती से चलते हैं। एक दूसरे को जब तक बर्दाश्त नहीं करोगे तो घर नहीं चलते। ठीक है, बर्दाश्त नहीं करोगे नहीं चलते, लेकिन बर्दाश्त की भी एक लिमिट है। क्यों बर्दाश्त करें हद से ज्यादा? क्यों बर्दाश्त करें भाई? क्यों? शादी हमने बर्दाश्त करने के लिए थोड़ी की है, सुकून के लिए की है ना। तो ठीक है, उस सुकून में कुछ चीजें, हर दुनिया की हर नेमत में कुछ फॉल्ट भी होते हैं, लेकिन हर चीज की ये क्या होती है? हद होती है। उस हद से आगे मैं तो कम से कम बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा भाई, जो मैं दूसरों को क्या ऐसी तरगीब दूं। एक चीज लिमिट होती है ना, एक लिमिट के बाद आदमी की खोपड़ी घूमना शुरू कहते हैं भाई। वो मेरे पास आते हैं कि सुबह शाम कि बेगम साहब भाई ये भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, ये बात भी नहीं मानती, जब चाहे पर्स उठा के घर से बाहर भी चली जाती है, ना अब्बा की खिदमत ना अम्मा की खिदमत, कुछ भी नहीं मान रही, एक किसी चीज में शोहर को फॉलो नहीं कर रही। मैं कहता हूं भाई जान छुड़ाओ, तुमने अगर खाली सवाब के लिए किसी औरत पे खर्च करना है तो ईदी सेंटर में बहुत सारी बेवा औरतें हैं जिनको तुम जाके खिला दिया करो, जब किसी काम की नहीं है। इसी तरह मियां भी, अगर वो खर्चा नहीं उठा रहा, घर का किराया भी नहीं दे रहा, बच्चों के स्कूल की फीसें भी नहीं दे रहा, इलाज मुआवजे के पैसे भी नहीं दे रहा, मियां फौरन से पहले बदल लो भाई। हम तो यही कहते हैं लोगों को, ऐसे मियां की इताअत करके खामखा में अगर सवाब ही हासिल करना है तो इतनी खिदमत अपने अब्बा की करके, वो भी तो सवाब है ना। रहने तो नहीं समझ में आ रहा तो रहने दो। वो मैं अक्सर खुला का वाकया बयान करता हूं ना, दौरे नबवी में खुला हुआ था। जमीला बिनते साबित अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। सहीह बुखारी की हदीस है। शादी हुई, पहले अपने मियाँ को देखा नहीं था उन्होंने। जब पहली रात में मियाँ को देखा तो उनको अंदाजा हो गया कि भाई ये तो शक्ल व सूरत के लिहाज से मेरे लेवल के बिल्कुल भी नहीं है। तो वो नबी के पास आ गई फौरन कि या रसूल अल्लाह कि मैं साबित अल अंसारी के दीन और अखलाक पर मुझे कोई एतराज नहीं है, बहुत नाइस पर्सन, बहुत नेक आदमी, बहुत नेक, बी मिनल जमाली मा तरा, मैं जिस कदर खूबसूरत हूं आप जानते हैं, लेकिन साबित अल अंसारी कद के लिहाज से छोटे, रंग के लिहाज से इंतहाई स्याह, तो किसी भी लिहाज से उनमें अट्रैक्शन मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल जोड़ की शादी नहीं हुई है ये, मुझे खुला चाहिए। मुझे क्या चाहिए? खुला। खुला का मतलब शौहर से तलाक। खुला का मतलब वो नहीं होता जो आजकल अदालतों ने बना दिया है कि और अदालत खुद से कुछ दे दे। मतलब यह है कि शौहर से इस शर्त पे तलाक चाहिए कि मेहर वापस करने के लिए तैयार हूं। ऐसी तलाक को खुला कहा जाता है। होती वो तलाक ही है और देता वो शौहर ही है, क्योंकि डिवोर्स शौहर के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। जज सिर्फ अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, दूसरों की बीवियों को जज को डिवोर्स देने का राइट नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मियाँ को बुलाया और फरमाया दे दो तलाक इसको, मशवरे के तौर पर तल्लिखा, इनको क्या करो, तलाक दे दो। क्योंकि आप जानते थे कि ये चलो एक गलती हो गई निकाह करके, अब उसको बाकी रखना उससे बड़ी गलती होगी, नहीं लड़ते रहेंगे तो छोड़ दो उसको। इससे भी पता चलता है कि हमारे मुआशरे में जो तलाक को बहुत मायूब समझा जाता है ना, तलाक मायूब है इतनी नहीं है जितनी समझा जाता है। नहीं ये सर पटोल रहे हैं तो छोड़ो यार, तमीज से अलहदगी इख्तियार कर दो, इतना ज्यादा नहीं, हिंदुओं की तरह नहीं है कि आसमानों पे जोड़े बनते हैं तो वो एल्फी से चिपक गए हैं अब। हकीकत है ये तो हिंदू ईसाइयों की बातें हैं जो ग्राउंड रियलिटी से हटकर होती हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, वो बन गए। जोड़े आसमानों पर बनते हैं, टूटते भी आसमानों पर ही हैं, टूटना भी आसमान पर ही लिखा हुआ होता है कि ये नहीं चलेंगे तो चलो भाई तमीज से अलग हो जाओ। ऐसा ना हो जा जाके बिला वजह अलग हो जाए, यानी एक हद होती है बर्दाश्त की। क्या होती है? एक हद होती है। मेरे सामने एक दफा एक मियां बीवी का केस आया, तो वो केस में ये नौयत थी कि बहुत ज्यादा इनके फड्डे हो रहे थे ना। खैर हमने सुलह सफाई करा दी, मेरे साथ कोई पैनल भी था उलमा का, तो हमें अंदाजा हुआ कि यहां गलती बीवी की है, औरत की गलती है, वो बहुत शरारतें कर रही थी। बाज़ दफ़ा मर्द की गलती होती है, बाज़ दफ़ा औरत की, यहाँ इस केस में औरत की गलती थी, बहुत शरारत कर रही थी।
तो जब उनका सुलह हुआ ना, तो फिर सुलह में ये तय हुआ कि अब ये जैसी भी है, जिस तरह भी है, शोहर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी आइंदा ये कभी भी जिंदगी में डिवोर्स नहीं देगा। इस शर्त पे हम लड़की को भेज रहे हैं। लड़की वालों ने कहा कि जो है जैसी है बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो लड़का लिख के देने लगा, हां जो है जैसी है। मैंने कहा भाई क्या मतलब जो है जैसी है, ये क्या बात है? घर जोड़ने के लिए ऐसी शर्त लिखवा देना कि जो बाद में अफोर्ड ही ना कर सको। आप बोलो मैं बर्दाश्त करूंगा जिस हद तक बर्दाश्त कर सका, बात बात पे ना डिवोर्स की धमकी दूंगा ना कोई और ऐसी, लेकिन एक लिमिट है, उस लिमिट को अगर क्रॉस किया तो नहीं चलेगा बस। तो खाम खा के इन्होंने बिला वजह की फजूल किस्म की बातें कि नहीं भी जो है जैसा है बस। नहीं, जो है जैसा है क्यों भाई, जो है जैसा है क्यों? दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। आप अपनी दुकान में मुलाजिम रखो, मुलाजिम कहे जो जैसे रहूंगा बस मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, आप बोलेगा भाई मेरा कारोबार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जैसे तू को मतलब तू यहां बैठकर सुट्टा भी पी सकता है, तू चर्स की दुकान भी बना सकता है इसको, ठीक है कुछ चीजें बर्दाश्त कर लूंगा, कुछ तुम्हें भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इसी तरह मर्द का मामला भी है। जो मैं बार बार इन मजामीन को रिपीट इसलिए करता हूं कि खोपड़ी में बैठ नहीं रहे हैं ये। तो इसी तरह शौहर भी बुरा है, हम औरतों को कहते हैं बर्दाश्त करो, लेकिन उसकी भी क्या है, ये नहीं कि जितना भी बुरा हो बस घर जोड़ना है। असल में तो घर मोहब्बत ही से चलते हैं, एक दूसरे को जब तक बर्दाश्त नहीं करोगे तो घर नहीं चलते। ठीक है बर्दाश्त नहीं करोगे नहीं चलते, लेकिन बर्दाश्त की भी एक लिमिट है। क्यों बर्दाश्त करें हद से ज्यादा, क्यों बर्दाश्त करें भाई? क्यों शादी हमने बर्दाश्त करने के लिए थोड़ी की है, सुकून के लिए की है ना। तो ठीक है उस सुकून में कुछ चीजें, हर दुनिया की हर नेमत में कुछ फॉल्ट भी होते हैं, लेकिन हर चीज की ये क्या होती है, हद होती है। उस हद से आगे मैं तो कम से कम बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा भाई, जो मैं दूसरों को क्या ऐसी तरगीब दूं। एक चीज लिमिट होती है ना, एक लिमिट के बाद आदमी की खोपड़ी घूमना शुरू कहते हैं भाई। वो मेरे पास आते हैं कि सुबह शाम कि बेगम साहब ये भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, ये बात भी नहीं मानती, जब चाहे पर्स उठा के घर से बाहर भी चली जाती है, ना अब्बा की खिदमत ना अम्मा की खिदमत, कुछ भी नहीं मान रही, एक किसी चीज में शोहर को फॉलो नहीं कर रही। मैं कहता हूं भाई जान छुड़ाओ, तुमने अगर खाली सवाब के लिए किसी औरत पे खर्च करना है तो ईदी सेंटर में बहुत सारी बेवा औरतें हैं जिनको तुम जाके खिला दिया करो, जब किसी काम की नहीं है। इसी तरह मियां भी अगर वो खर्चा नहीं उठा रहा, घर का किराया भी नहीं दे रहा, बच्चों के स्कूल की फीसें भी नहीं दे रहा, इलाज मुआवजे के पैसे भी नहीं दे रहा, मियां फौरन से पहले बदल लो भाई। हम तो यही कहते हैं लोगों को, ऐसे मियां की इताअत करके खामखा में अगर सवाब ही हासिल करना है तो इतनी खिदमत अपने अब्बा की करके, वो भी तो सवाब है ना। रहने तो नहीं समझ में आ रहा तो रहने दो। तो खामखा में फुलतरू की तरह एक बंदे का नाम अपने साथ लगाने का, जब वो कोई सिरे से कोई हुकूक ही अदा नहीं कर रहा है तो फुलतरू की तरह नहीं चीजें चिपक जाती हैं आपके साथ। देखा होगा ना फुलतरू, पता है किसे कहते हैं? बाज दफा ये होता है, अब तो ये चीजें खत्म, बचपन में चीजें नजर आती थी, जैसे सर्दियों में ना चीजें चिपक जाती हैं, तो ऊन जो स्वेटर बुन रही होती थी ना खवातीन घर में, तो बाज दफा ऊन चिपक गया कपड़े से, अब वो धागे की तरह जा रहा है आदमी, यूं कर रहा है तो सलवार से चिपक गया, उधर से हटा रहा है इस वाले पे चिपक गया, तो अक्सर वो कमीज के पीछे चिपकता था, वो नजर नहीं आता था फिर, तो वो चिपका रह जाता था। तो लोग कहते थे क्या यार फुलतरू लगा लिए साथ में, जहां जा रहे साथ साथ ये। तो ऐसे ही बाज औरतों ने फुलतरू की तरह मियां को अपने साथ चिपकाया हुआ है, वो एक हक भी कमबख्त अदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो बाज ने फुलतरू की तरह बेगम को चिपकाया हुआ है, बाज ने फुलतरू की तरह। तो एक हद है बर्दाश्त की भी। उसके बाद फिर कुरान क्या कहता है, तमीज से अलहदगी। तो मुझे डर ये लगता है ऐसी बातों से खामखमे की अलहदगियां ना शुरू हो जाए, ये भी बहुत डर लग रहा होता है। साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं इस तरह बरमला बात करने के, लोग बिलावजा जिंदगी गुजार रहे होते हैं बर्दाश्त करके, खामखमे अलहदगी ना हो जाए। तो वो बर्दाश्त असल है लेकिन एक हद तक। और हद जो मैं लोगों को बयान करता हूं, शौहर इतना खराब हो जाए कि औरत जहनी मरीजा बनना शुरू हो जाए, डिप्रेशन की गोलियां खाना शुरू कर दे, तो बस ये लिमिट क्रॉस हो गई है। अब क्या है, स्ट्रेस इतनी है कि गोलियों पे आ गई है। अगर बीवी सास ने बहू को इतनी टेंशन दी है कि अब बहू साहिबा डिप्रेशन की गोलियों पे आ गई हैं, तो भाई अब क्या होना चाहिए, ये बहुत हो गई। क्योंकि
क्योंकि इसकी वजह यह है कि अब गलती जिसकी भी हो लेकिन अब ये हुदूदुल्लाह पर कायम बोलो ना नहीं रह सकती। अब गलती में पड़ना कि किसकी गलती थी, जिसकी भी थी, बहरहाल नुकसान तो इसका हो गया ना, तो क्या फ़ायदा भाई। मियाँ को समझाना चाहिए, जान छोड़ाओ, छोड़ दो इसको, बशर्ते कि औरत राज़ी हो। राज़ी नहीं है तो फिर तो वो और से ज़्यादा बड़ी टेंशन, दो गोलियाँ खा रही है, पता चला तलाक के बाद चार गोलियाँ खा रही है बैठ के। तो मर्द अगर इतना ख़राब है ना कि औरत स्ट्रेस में आ गई, डिप्रेशन में आ गई है, तो फिर मेरी राय यह है कि सेहत पहले है मियाँ, क्योंकि थोड़े दिन में ये पागल जब एक दफ़ा स्ट्रेस और डिप्रेशन की गोलियों पे आ जाए ना, और असल हल ना किया जाए उस स्ट्रेस का, तो फिर ये गोलियों की तादाद बढ़ती ही है, कम नहीं होती, और फिर ये पागल ही होके मरेगी बेचारी। हकीकत बता रहा हूँ मैं, ये फिर पागल होने के अलावा इसका कोई अंजाम नहीं है। तो पागल होने से पहले पहले अलग कर दिया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। आदमी डिप्रेशन में नहीं आता, आदमी अगर डिप्रेशन में नहीं आता, वो उसकी वजह ये है कि वो जो अगर बीवी उल्टी सीधी भी मिल जाए ना, वो घर से बाहर निकल जाता है, भाग जाता है वो घर से, वो बेचारी कहाँ भाग के जाएगी ना, फिर वो जाके दोस्तों में निकाल देता है, बहुत बहुत सारे ऑप्शन। मर्द इतनी जल्दी घरेलू हालात की वजह से डिप्रेशन में नहीं आता, समझ रहे हो, तो उसके उसूल कुछ और हैं, ठीक है। तो खैर बात कहाँ से कहाँ चली गई, जो मैं असल अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा आई, या रसूलल्लाह मेरा इनके साथ गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं इंतहाई खूबसूरत औरत हूँ और ये इंतहाई शक्ल व सूरत के लिहाज से कम है। लेकिन उनके अल्फाज क्या थे कि मुझे इनकी दीनदारी और इनके अखलाक पर कोई एतराज नहीं है। तो नबी ने उनको कहा कि दे दो तलाक, उन्होंने दे दी। अक्लमंद थे, जानते थे कि गुजारा नहीं हो सकता, तो खामखा में ऐसे घर को ज़बरदस्ती घसीटने का क्या फ़ायदा, वरना मर्द जालिम भी होते हैं, लटका देते हैं, नहीं भाई बस जैसा तैसा है, तो इसमें फायदा नहीं है फिर। तो इससे क्या पता चलता है, सहाबी रसूल है, बीवी कह रही है बहुत नेक हैं लेकिन सूरत के अच्छे नहीं है। अब उन सहाबी की के बाद दुनिया में कितने हसीन लोग पैदा हुए, कितने खूबसूरत लोग पैदा हुए ना 1400 साल के अरसे में, लेकिन क्या उनमें कोई हसीन और नूरानी चेहरे वाला उन सहाबी की खाक के बराबर हो सकता है। बोलते क्यों नहीं भाई, तो पता ये चला मेरे भाई, किसी की शक्ल इस लायक नहीं होती कि उसकी बेस पर उसको बुजुर्ग समझ के उससे अकीदत और मोहब्बत की जाए। हाँ, इन चीज़ों का मोहब्बत को बढ़ाने में दखल ज़रूर होता है कि आपके पीर साहब की शक्ल भी अच्छी है तो थोड़ा और ज़्यादा अकीदत हो जाती है इंसान, ये एक नेचुरल है भाई। आप किसी से अकीदत रखते हैं, अकीदत है बुजुर्गी की बेस पे, नेक है, अकीदत की बेस दुरुस्त है, और नेक की डेफिनेशन भी आपको पता चल गई। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर की डेफिनेशन क्या है भाई, MBBS किया हुआ हो, इतने साल हाउस जॉब हो, सर्टिफिकेट हो, वगैरह वगैरह। तो बुजुर्ग से अकीदत होती है किस बेस पे, नेक। और नेक की डेफिनेशन क्या है, ये नहीं कि ख्वाब अच्छे अच्छे आ रहे हों, ये मैंने पिछले बयान में बहुत डिटेल से बताया था, अच्छा ख्वाब आना ये नेक होने की दलील नहीं है। नेक होने की एक ही दलील है जो कुरान ने बयान की, الذين آمنوا وكانوا يتقون, अकीदा भी दुरुस्त और आमाल भी दुरुस्त, अकीदा तौहीद, सिर्फ या अल्लाह मदद, बस इसके अलावा कोई नारा काबिल कबूल नहीं। जो इस्लाम के बेसिक अकायद है ना, उनमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और अमल भी क्या, आमनु आमिलु सालिहात, नेक अमल किए, गुनाहों से बचते हैं, वकानु यत्तकून, बचते हैं, किस चीज से बचते हैं, बुराइयों से बचते हैं, शरीयत को फॉलो करते हैं। तो ये दो चीज़ें आपने देख ली, आपको अकीदत हो गई, बिल्कुल दुरुस्त अकीदत हुई है। फिर अगर उनकी शक्ल भी अच्छी है तो ये अकीदत को बढ़ाने में ये चीज़ें क्या करती हैं, मदद देती हैं। यही वजह है कि जितने पैगंबर दुनिया में आए सारे खूबसूरत थे, अल्लाह ने किसी पैगंबर को बदसूरत नहीं बनाया। वजह क्या थी कि खूबसूरती की वजह से ना कौम इनकी तरफ माइल हो, इनकी बात को ज़रा ज़्यादा शौक से सुनेगी, अकीदत में ये चीज़ इजाफे का जरिया बनेगी। इसलिए जितने पैगंबर आए सेहतमंद, खूबसूरत, ख़ानदान बहुत अच्छे उनके, तो ये अल्लाह की एक रहमत थी कि ताकि लोग बाज़ मरतबा सूरत की बेस पे भी किसी के करीब आने से कुतराते हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या किया,
तमाम पैगंबरों को खूबसूरत बनाया, तो किसी आलिम किसी बुजुर्ग को अल्लाह ने अगर खूबसूरत बनाया है तो ये अल्लाह की एक नेमत है, इस नेमत का जायज़ फ़ायदा उठाना चाहिए। जायज़ फ़ायदा ये भाई आप दीन का काम करें तो लोग आपके इल्म और आपके तकवा की बेस पर आपके करीब आएंगे और सूरत उस अकीदत को बढ़ाने में मदद देगी। और ये डॉक्टरों के साथ भी होता है, हकीमों के साथ भी होता है, खूबसूरत हकीम से इलाज कराने का ज़्यादा दिल करता है इंसान का, जो बारीक बारीक होते हैं ना एक्सरे रिपोर्ट उनकी नज़र आ रही है, हालांकि माहिर होते हैं लेकिन आदमी का फितरी तौर पर कहता है यार वो ज़्यादा माहिर है वो जो दूसरा है ना, तो ये इंसानी नेचर है। डॉक्टर भी अगर खूबसूरत होगा तो वैसे इंसान उसकी तरफ, ये इंसान की नेचर है, जो चीज़ भी अच्छी लगती है इंसान उसकी तरफ माइल होता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेस क्या है, बेस पे समझौता और कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। डॉक्टर से अकीदत मेडिकल साइंस की बेस पे, तो पहले उसमें महारत हो, बाकी चीजें बाद की हैं। नहीं आ रही समझ में बात। और अगर एक डॉक्टर अपने फन में माहिर है, शक्ल का अच्छा नहीं है, दूसरा शक्ल का अच्छा है फन में माहिर नहीं है, फिर शक्ल के अच्छे वाले से इलाज कराना यह हमाकत और बेवकूफी है। तो इसीलिए याद रखो कि कोई बुजुर्ग शक्ल के अच्छे नहीं है लेकिन आमाल और तकवा में अच्छे हैं, और एक बुजुर्ग शक्ल के अच्छे हैं लेकिन तकवा उस लेवल का नहीं है, फिर भी आपको अच्छी शक्ल वाले से अकीदत हो रही है उससे नहीं हो रही, तो इसका मतलब इस अकीदत की बेस तकवा नहीं है, इसकी बेस क्या है, शक्ल है, फिर आप में फॉल्ट है ये। तो ये इतनी लंबी डिटेल मैंने इसलिए बताई कि आज हमारे यहाँ उलमा और बुजुर्गों से अकीदत का जो मयार है वो मयारी क्या होता जा रहा है, अरे मयार, और यही वो बेस थी जिसकी बेस पर मुशरिकी ने मक्का बर्बाद हुए। उन्होंने कहा कि ये जो है ना हमें क़यामत के दिन बख्शवा देंगे, अल्लाह ने जगह जगह फरमाया कि ये खुद भी बख्शे जाएंगे कि नहीं बख्शे जाएंगे, पहले इस पे तो गौर करो। फ़इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, फरमाया जिन माबूदों को तुम पूजते हो ना बुजुर्गों की मूर्तियां बना के, अल्लाह इन मूर्तियों को तुम्हारे साथ जहन्नम की आग में डालेगा, इन मूर्तियों को भी अल्लाह तुम्हारे साथ जहन्नम में डालेगा। तो इसलिए भाई हर चीज में इंसान को खोपड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, मजजूब बन के पागल बन के दीवाना बन के जिधर कौम जा रही बस उधर ही चलना, किसी ने जज्बाती तकरीर कर दी पागलों की तरह उस पर। अभी देखो एक सियासी लीडर का इंतकाल हुआ था चंद साल पहले, तो मैंने देखा बहुत से लोग जो उसकी उनकी जमात में थे ना, इत्तलात आई कि हार्ट अटैक से मर गए गम में, कुछ जनाब रो रहे हैं फूट रहे हैं। अबे भाई किस बात की अकीदत, इतने क्यों जज्बाती हो रहे हो, क्या क्या दिया हो मोहतरम ने आपको, मैं नाम नहीं लेता आजकल थोड़ा एहतियात करता हूं मैं, बस खामखा की वो एक तकरीर बहुत अच्छी लग गई थी तो इतनी अकीदत हो गई, इतनी अकीदत। ये सियासी लोग अपने लीडरों से कितनी अकीदत करते हैं, पागल हो रहे होते हैं, कोई इनके बारे में नेगेटिव कमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं होता, दूसरे की हर पॉजिटिव चीज भी नेगेटिव, अपने वाले की हर नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव। ये सियासी लोगों में भी अंधी अकीदत बहुत होती है, वो उसका अपने जो जिसको आप फॉलो कर रहे हैं ना उसने जो भी उल्टा काम किया होगा कौम के वसीतर मफाद में बाज दफा ये भी करना पड़ता है, ये जवाब है। ये सब जगह चल रहा है, कुछ कोई एक नहीं है, ये अंधी अकीदत कयामत के दिन मरवाएगी। याद रखो कुरान के अल्फाज क्या हैं, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अनहु मसूला, तुम्हारे कानों से तुम्हारी आंखों के तुमसे तुम्हारे कानों के बारे में तुम्हारी आंखों के बारे में तुम्हारे दिल के बारे में कयामत के दिन सवाल होगा। किसी से अकीदत अगर दिल में रखी क्यों रखी, नफरत रखी तो क्यों रखी, दलील क्या थी नफरत की, नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है। तो जो कुछ हम बोल रहे हैं ना अपने सियासी लीडरों के दिफा में, दूसरों को बुरा कह रहे हैं, कयामत में ये एक एक लफ्ज रिकॉर्ड हो रहा है। अल्लाह पूछेगा तूने अपने वाले की इस गलत चीज की जो सही तूने गलत तावील की और उसको सही करार देने की कोशिश की, इसकी तुम्हारे पास कोई वाकई मजबूत दलील थी, और दूसरे वाले की सही चीज को भी तुमने जो गलत करार देने की कोशिश की इसकी तुम्हारे पास क्या दलील है। अगर आपके पास कोई दलील नहीं है तो खुदा की कसम ये जो आपके सियासी लीडर है ये आपको कयामत के दिन उल्टा लटकने से नहीं बचा सकते। तो इतनी अकीदत में अपने सियासी लीडरों की अकीदत में अंधे ना हो जाओ, और वैसे भी इनकी अकीदत से फायदा आपको थोड़ी इनको होता है, आपको तो कुछ भी नहीं होता, आप तो वहीं के वहीं हैं, रक्षा चला रहे हो, तो कोई भी आ जाए आपने रक्षा ही चलाना है। यार ये बहुत मुश्किल बात हो गई,
आप समझते हो कि आप जिस जमात को फॉलो कर रहे हो वो जब वजीर आजम बन जाएंगे तो आप क्या रक्षे से टैक्सी में आ जाओगे या लैंड क्रूजर पे आ जाओगे? आप रक्षे पे ही रहोगे। फिर खामखा में अपने वालों की तारीफें कर करके गुलूव करना, मुबालगा करना। पता है हमारी शरीयत ने मरने के बाद भी किसी की तारीफ में मुबालगे को बर्दाश्त नहीं किया, हालांकि मरने वाले का आप क्या दुनिया में बेचारे का लेना देना, फिर भी कहा उसकी भी तारीफ करो तो एतदाल से, जो चीज उसमें नहीं है वो बयान मत करो। हमारे यहां कोई मर जाए फिर आप देखो हजरत ऐसे थे, हजरत से तो बड़ा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। उसके बाद जाने के बाद अच्छा हमें तो पता चला हजरत इतने बड़े थे। मुखालिफिन भी कह रहे होते हैं बहुत ही बड़े बुजुर्ग का इंतकाल हुआ इस दफा दुबई, बहुत ज्यादा, बहुत ही बड़े। सही हदीस है, हदीस के पूरे अल्फाज मुझे याद नहीं है कि मैयत से पूछा जाता है बता क्या वाकई तू ऐसा था जो तेरे बारे में लोग ये कह रहे हैं, वाकई तू ऐसा था? अगर आपने अपनी जिंदगी में अपने मुरीदीन की तरबियत नहीं की कि मेरे मरने के बाद मेरी नाजायज तारीफ ना करना, तो इस बात का बहुत खतरा है कि आपको भी कब्र में इसका अजाब दिया जाए कि तुम्हारे बाद वाले लोग तुम्हारी तारीफ में मुबालगा क्यों करें, इस बात का खतरा मौजूद है। हदीस से मफहूम होता है, मुतरशे होता है ये। तो भाई ना तारीफों में मुबालगा करो और ना किसी की, बोलते क्यों नहीं, बुराई में। तारीफ में मुबालगे से तो कुरान ने साफ मना किया, फरमाया फला तुज़क्कू अन्फुसकुम, अपना तज़किया मत किया करो। तज़किया का मतलब पाक दामन करार मत दिया करो। यहां अपने से मुराद है अपने जैसे लोग, यानी मुसलमान। जैसे कुरान में आता है ना वला तक्तुलू अन्फुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो, तो तमाम उलमा कहते हैं इससे सिर्फ अपनी जान मुराद नहीं है, ये सब एक नफ्स की मानिंद हैं जितने भी इंसान हैं, तो किसी को भी कत्ल मत करो। तो ऐसे ही अल्लाह फरमाते हैं फला तुज़क्कू, तुज़क्कू का असल माना होता है तज़किया करना। आयत का लफ्जी तर्जमा तो ये होगा कि अपने आप को पाक मत करो, तो पाक तो करना का हुक्म है ना, तज़किया तो इस्लाम का हुक्म है। तो तज़किया बाब तफ़ील, जो मेरा तफसीर के लेक्चर सुन रहे हैं ना यूट्यूब पे, नहीं सुन रहे तो सुन लें, बहुत फ़ायदा होगा। मेरे जो मेरा चैनल है मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस, उस पे तफसीर के लेक्चर चल रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो मिल जाएंगे आपको। तो 1/69 या 70 लेक्चर मेरा ख्याल है अपलोड हो चुके हैं, तो वो पहले लेक्चर से सुनना शुरू करें, उससे आपको कुरान इंशाल्लाह खानदानी तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। नहीं आ रही बात, कुरानी ग्रामर भी है उसमें, कुरानी ग्रामर और फिर तफसीर भी है, तो बहुत थोड़ी मेहनत होगी आपको, 40 मिनट बैठना पड़ेगा कुरान लेके सामने। तो वो तरतीब से जब आप वो लेक्चर सुनेंगे ना, आपको बहुत इंशाल्लाह कुरान आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। जब नमाज में आप कुरान पढ़ेंगे, इमाम से सुनेंगे या तरावियों में कुरान सुनेंगे, आपको अरबी में कुरान समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो वो ऐसा इस तरह के लेक्चर में रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो ये जो उसमें ये ग्रामर की बातें भी बताता रहता हूँ, ये जो तज़किया है ना बाब तफ़ील, ये बाज़ मरतबा किसी चीज़ की तरफ निस्बत करने के लिए भी आता है। जैसे कहते हैं ना किसी की तकफीर मत करो, तकफीर का मतलब कुफर की तरफ किसी को मंसूब ना करो, काफिर मत करार दो, कहते हैं ना तकफीर। तो इसी तरह तज़किया बाब तफ़ील है, इसका मतलब है किसी को पाक होने की तरफ मंसूब मत करो। क्या मतलब? किसी को यकीनी तौर पर 100% नेक करार देने की कोशिश मत करो। क्यों? हुआ आलमु बिमन इत्तका, अल्लाह खूब जानता है कौन मुत्तकी और कौन परहेजगार है, ये अल्लाह को पता है, यकीनी तौर पर तुम्हें पता नहीं है। इतनी वाज़े कुरान की आयत है भाई, उसके बाद भी हम कह रहे हैं फला से बड़े तो दुनिया में बस वो तो सीधा जन्नत में, वो मरे क्यों? इतने नेक आदमी कहता है फिर इनको तो जाना ही नहीं चाहिए था दुनिया से। बस बोलो भाई, हम अपने गुमान के मुताबिक ये ख्याल करते हैं कि बहुत नेक थे, हमारी राय के मुताबिक हमारा ख्याल है कि इंशाअल्लाह अल्लाह उनकी मगफिरत करेगा, और ये उनके औसाफ थे, ये उनकी खासियतें थी जो वाकई थीं, उनको हाईलाइट कर दे इंसान, ये ठीक है, ये तो सहाबा से भी, ताबईन से भी साबित, असलाफ से भी साबित, और कुरान ने इससे मना नहीं किया। लेकिन यकीनी तौर पर किसी की तारीफ में बहुत ज़्यादा मुबालगा करना,
ये फिर अल्लाह पे गोया एक तरह से अल्लाह इसको अपने ऊपर इल्ज़ाम समझ रहे हैं कि मुझे नहीं पता, तुझे मुझसे भी ज़्यादा पता है। ये गोया ये अंदाज़ हो गया। तभी अल्लाह कह रहे हैं हुआ आलम, अल्लाह को पता है भाई कौन नेक है और कौन बुरा है। और आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लाह को इतना पता है हुआ आलमु बिकुम इज अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनी उम्महातिकुम, उस वो तुम्हें उस वक्त से जानता है जब तुम अपनी माँ के पेट में छुपे हुए थे। वो तो उस वक्त से जानता है। तो उसको तुम समझा रहे हो कि अल्लाह वो बहुत नेक था, उसको वो लाजमी जन्नत में जाना चाहिए। तो अल्लाह के फरमान वो तुम्हें उस वक्त से जानते हैं जब तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप नहीं तुम्हें जानते थे, उस वक्त से तुम्हारी खसूसियात और सब कुछ हम जानते थे तुम्हारे बारे में। तो इसलिए जिसने जन्नत में लेके जाना है, जिसने जहन्नम में लेके जाना है, उसको पता है। तो हम एतदाल के साथ, हजरत जी बहुत अच्छे हैं बस काफ़ी हो गया, हजरत जी क्या हैं बहुत है बस काफ़ी, इससे आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाओ। हजरत जी की ये इल्मी खिदमात है, माशाल्लाह इस मैदान में हजरत ने बड़ा काम किया, जो किया है जो हकीकत में है उन कामों को बयान कर दिया। अरबों की एक आदत है जब भी वो किसी की तारीफ करते हैं ना तो एक जुमला कहते हैं ला नुज़क्की अलल्लाह अहदा, कि हम अल्लाह के खिलाफ किसी का तज़किया नहीं करते, यानी अल्लाह पे इल्ज़ाम लगा के या हम अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते। हमने जो फलां बुजुर्ग की तारीफ की है अपनी मालूमात के मुताबिक, हकीकत कौन जानता है बोलो भाई? अल्लाह जानता है। तो गुलू एतदाल हमारी कौम में ख़ास तौर पर, ये पाकिस्तान और इंडिया में, इंडिया में भी इतना नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तारीफ में मुबालगा भी और मुखालफत में भी एतदाल, बोलते क्यों नहीं? नहीं, नहीं।